हेलो। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम में। ऐसे ही शाम को निकल रहे हैं घूमने, तो आपको दिखाते हैं शाम में कैसा रहता है यहाँ पे आसपास ना। यहाँ से मिस्सी का चश्मा लिया था, अब तो रात हो गई, बंद हो गया ये। तो कुछ ऐसा माहौल रहता है शाम के टाइम पे ना। तो ये देखो ऐसी शॉप शोरूम खुले रहते हैं। ये देखो क्या सुंदर सुंदर डिजाइन है, इंटीरियर टाइप शॉप है कुछ। ये बस स्टॉप है, अभी एकदम अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है बस स्टॉप में। ये देखो ये उसके पीछे ये शोरूम है। यहाँ पे ना शीशे देख रहे होंगे आप, शॉप की ना बस मेन गेट बंद हो जाता है, बाकी शॉप अंदर लाइट वाइट जली रहती रात भर। इसी के सामने ये दूसरा स्टॉप है उस साइड जाने के लिए। और आपको मैं दिखाऊंगा ना सुंदर सुंदर ये घर, ये देखो ये इनके बहुत पुराने, मतलब दो दो चार चार सौ साल पुराने। और ये कोई पुराने ज़माने का होटल सा होगा इनका। हिर्च, हिर्च का मतलब वैसे ये होता है हिरन ना, हिर्च स्ट्रासे, हिर्च गली है या हिर्च रोड बोल सकते हैं। और सामने की तरफ देखो ये ऐसे वाले घर दिख रहे हैं जो ये ट्रेडिशनल जर्मन घर हैं। ये बहुत पुराने पुराने होंगे मेरे ख्याल से, ये ना सब दो साल पुराने, बहुत पुराने। अब इनको ऐसे होटल टाइप में बना देते हैं लोग। देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। और थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाती है शाम में थोड़ा, और आपके लिए ब्लॉग भी बना रहे हैं। ये देखो अलग ही लग रही है ना भाई ये आर्किटेक्चर, ये सब पूरा पूरा ओल्ड आर्किटेक्चर है। यहाँ की बसें देखो कैसी, ये देखो। अब ये सारे इनमें रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं ये लोग ना, ऐसे आपको स्विट्ज़रलैंड इधर में भी देखने को मिल जाएंगे ऐसे घर। तो देखो पूरी लाइन में इसी तरीके के घर हैं, ये सारे प्रिजर्व करके रखे हैं ना, ये इनमें कोई भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ये उसी तरीके से बना के अभी भी रखे हैं। इस साइड को देखोगे आप कुछ कुछ नया मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, कुछ कुछ स्टोर दिख रहे हैं, ये रात को बंद हो जाते हैं इस तरीके से। और यार अपनी तरह की अलग ही नायाब नमूने देखने को मिलते हैं यहाँ पे। देखो ये शोरूम कुछ इस तरीके के होते हैं यहाँ पे, आराम से ये कोई भी शीशे के आर पार, अपने वहाँ की तरह नहीं है कि भाई लॉक कर दो, रात हो गई है बट ऐसे ही ओपन है सब कुछ। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्राइम क्रोम इतना है नहीं अभी। ये देखो ये बालों वाला कुछ पर्स दिख रहा है, मिस्सी लोग जा रहे हैं आगे, वेदर तो सो चुकी है। और ये देखो यार गलियों में कुछ ऐसा रहता है शाम का टाइम ना, एकदम सुनसान सी, कोई का एक आध लोग दिख जाएंगे कहीं कहीं पे, बट इतना रस रहता नहीं है। चलो हम एक आगे की तरफ जाते हैं, पुराने बिल्डिंग दिखाएंगे इसको। यहाँ पे ना राट हाउस बोलता है, मतलब ये एक तरीके का सिटी सेंटर, क्या बोलेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस होगा इस सिटी का ना। तो हम जहाँ पे रहते हैं इसके, इसका ये रजिस्ट्री ऑफिस है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से होता है। और इसी बिल्डिंग में ना मिस्सी का डॉक्टर भी है ना। ये देखो ये वाली लिफ्ट दिख रही है ना सामने, 8 नंबर, इससे जाते हैं ऊपर। इनका जो पीडियाट्रिशियन है, मतलब हमारा फैमिली डॉक्टर, वो यहाँ पे रहता है। और चलो इस तरफ देख के आते हैं। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना, हमें तो बढ़िया लग रहा है शाम के टाइम घूमते हुए ऐसे। और ये वो बिल्डिंग है जिसे मैं बोला ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है यहाँ पर, ये वाला जो दिख रहा है। चलो देख के आते हैं, लाइटिंग अच्छी लग रही है। रजिस्ट्रेशन यहीं कराया है। हाँ तो इसके बगल, इसी के बगल में एक वो देख लाइट दिख रही ना ऐसे, ये वही है जहाँ पे हमने अपना स्टार्टिंग में सिटी रजिस्ट्रेशन कराया था, इसी बिल्डिंग में। आज कुछ लाइटिंग सी लग रही है इसमें ना, इसको 500 कंप्लीट हुआ है। हाँ ये भी आज हमने पढ़ा था कहीं पे, कहाँ पे पढ़ा था, सिटी की वो वेबसाइट पे पढ़ा था ना। ये देखो सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे, ये एक झरना भी लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। मिसी चेक करना पानी ठंडा तो नहीं है, ठंडा है पूरा। हाँ ये देखो ये बिल्डिंग आज इसको ना 500 साल हुए हैं शायद, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग से लगाई है इन लोगों ने, बट अच्छा लग रहा है यार घूमते हुए ना शाम में ऐसी जगह पे, बढ़िया लग रहा है कोई फालतू। देखो ये ऐसी स्ट्रीट है एकदम पुराने ज़माने की टाइप लग रही है, मतलब हो सकता है इनको प्रिजर्व करके रखा हो, कोई भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नहीं करते ये लोग ना, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे जर्मनी में। ये देखो लोग अपना खा पी के रेस्टोरेंट वगैरह से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली घर में खाना कम बनाते हैं।
कभी कभार ही बनाते हैं लोग। इसके इधर भी कुछ तो वाटर बॉडी है, देखते हैं क्या है। ओ वाह, इधर भी वो है। इधर भी तो गंदा पानी है। देखो ये चर्च है कुछ इनका, इसके नीचे गंदा पानी कहाँ है। कुछ तालाब से बनाया, उसमें फाउंटेन से चल रहा है। वो वाला है शायद। चलो घर की तरफ वापस आओ। चलो फिर हमारा भी ये बिल्डिंग बढ़िया लगी मुझे, बस राट हाउस जैसे बोलते हैं, राट हाउस बोलते, कोई राट हाउस बोलते यही है, बढ़िया है। चलो यही था आज के ब्लॉग में, आपको दिखा दे रात को कैसा रहता है यहाँ पे माहौल। तो इस ब्लॉग में हम यही दिखा रहे थे यार, रात को कैसा रहता है माहौल यहाँ पे, सेफ है नहीं है, घूम सकते हैं। देखो बच्चे के साथ भी हम आराम से घूम सकते हैं रात को, कोई भीड़ भाड़ नहीं फालतू कुछ भी, और सही है। चलो ठीक है, आप लोगों ने भी देख लिया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। छोटे छोटे ब्लॉग बनाते हैं हम लोग, अगर ये पसंद आएंगे तभी लंबे ब्लॉग बनाएंगे। बाय बाय।